वॉट इफ़ इट इज़ फिनिश अ बस जर्नी कुछ बच्चे स्कूल uh, पिकनिक पर जा रहे हैं टुडे वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अदलाज स्टेपिल अबाउट एटीन किलोमीटर्स अवे फ्राम द अहमदाबाद जो बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं वो बस से जा रहे हैं और वो एक बाउली देखने जा रहे हैं जो अहमदाबाद से एटीन किलोमीटर दूर है वी बिगेन काउंटिंग द वहीकल्स ऑन द रोड सम ऑफ काउंटेड द बाईसाइकिल कार बसेज मोटरसाइकिल जितनी भी बाहर गाड़ियाँ चल रही थी कुछ बच्चे uh, उनको काउंट कर रहे थे टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर बाद सब बच्चे बोर हो गए गिनते गिनते थक गए स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट अचानक से ब्रेक लगा और ड्राइवर ने गाड़ी को रोका इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग वहाँ पर एक क्रॉसिंग थी और रेड लाइट थी तो रेड लाइट पर गाड़ी रुकी हांग हॉन्ग चारों तरफ साउंड uh, था बहुत लाउड हॉर्न बज रहा था धुआं निकल रहा था स्मोक कमिंग आउट ऑफ द वहीकल्स और एक छोटा लड़का जो रिक्शा चला रहा था वो बहुत बुरी तरह से खास रहा था क्योंकि वहाँ पर एयर पल्यूशन बहुत ज़्यादा था आई रिमेम्बर दिस स्मेल जो स्मेल वहाँ आ रही थी वो मुझे ध्यान आया कि मेरे गाँव में एक बाबा जी थे उनके पास एक ट्रैक्टर था उसमें से ऐसी स्मेल आती थी यानी ये डीजल की स्मेल थी तो इस तरह से चारों तरफ भीड़ थी और रेड लाइट पर और बुरी तरह से कुछ लोग खांस रहे थे ऑन द पेट्रोल पम्प पेट्रोल पम्प पर पे लाइन लगी हुई थी बहुत सारी गाड़ियों की और Uh, कुछ व्हीकल्स, सम व्हीकल्स रन ऑन द पेट्रोल एंड सम ऑन द डीजल, कुछ पेट्रोल uh, भराते हैं गाड़ियों में पेट्रोल से चलते हैं और कुछ व्हीकल्स डीजल से चलते हैं देयर आर लॉन्ग क्यू एट द पेट्रोल पम्प ऑफ व्हीकल्स और बहुत सारे गाड़ियों की लाइन वहाँ पर लगी हुई थी पेट्रोल भराने के लिए फिर उसके बाद है पेट्रो पोस्टर ऑन द पेट्रोल पम्प हमने वहाँ देखा कि कुछ पोस्टर्स लगे हैं पेट्रोल पंप पर और वो कैसे पोस्टर थे इस तरह से जैसे आप यहाँ देख रहे हो इस तरह से पोस्टर लगा हुआ है कुछ कार्टून बना हुआ है और वो कोई मैसेज दे रहा है कोई सेंटेंस बता रहा है हमें कोई बात अच्छी सी बात सिखा रहा है तो उसमें क्या लिखा था पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट वॉर एवर सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहेगा हमें एक एक बूंद बचाना चाहिए और अपने बच्चों के लिए इसे प्रिजर्व करना चाहिए मेक एवरी ड्रॉप गो टू लॉन्ग वे एक एक बूंद को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चलाना चाहिए बचाना चाहिए स्विच ऑफ द इंजन वेन यू स्टॉप द कार अगर आपने गाड़ी रोकी है चाहे रेड लाइट पर रोकी है या कुछ सामान देने के लिए या रखने के लिए तो उस समय हमें गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए तो इस तरह के पोस्टर्स हमें पेट्रोल पंप पर चारों तरफ बहुत सारे दिखाई दिए स्टेट्स विच है ऑयल फील्ड ये जो पेट्रोल और डीजल है ये आता कहाँ से है हमें कहाँ से मिलता है हम तो पेट्रोल पंप से ख़रीदते हैं अपनी गाड़ी में भरवाते हैं लेकिन पेट्रोल पंप में कहाँ से आता है तो ये स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया में जहाँ पर पेट्रोल मिलता है मेन ऑयल फील्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया आर राजस्थान गुजरात एंड आसाम अब ये इंडिया का मैप है यहाँ देखोगे आप तो ये आपको दिखाई देगा ये है गुजरात ये है राजस्थान और ये है असम। ये तीन स्टेट हैं जहाँ पर हमें पेट्रोल ज़मीन के नीचे से मिलता है ये देखो ये असम है ठीक है और ये है इस तरफ गुजरात एंड राजस्थान तो ये मेनली तीन स्टेट हैं जहाँ पे हमें पेट्रोल मिलता है और फिर पेट्रोल जब निकलता है ज़मीन के नीचे तो वो ब्लैक कलर का क्रूड ऑयल होता है काला काला सा तेल होता है उसको साफ़ करना पड़ता है तो साफ़ कहाँ होता है ये रिफाइनरीज़ ये देखो ये रिफाइनरीज़ हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इस तेल को साफ किया जाता है नेक्स्ट आती है हमारी हेडिंग ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ वी गेट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप डाउन बिलो द अर्थ हमें ज़मीन के नीचे से गहराई में काफ़ी गहराई में बड़े बड़े पंप लगे होते हैं और उन पंप से नीचे से ज़मीन के नीचे से पेट्रोल निकाला जाता है पेट्रोलियम निकाला जाता है एक्चुअली में और उस पेट्रोलियम को जब हम साफ़ करते हैं मशीनों में रिफ़ाइनरीज़ में साफ होता है यहाँ देखो रिफ़ाइनरीज़ है ये रिफ़ाइनरीज़ हैं कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और इनमें पेट्रोल को साफ किया जाता है और अलग अलग स्टेप में अलग अलग, -अलग चीज़ें निकलती हैं ये देखो है ना कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और इनमें पेट्रोल को साफ़ किया जाता है और उसमें से तरह तरह की चीज़ें निकाली जाती हैं क्या क्या चीज़ें पेट्रोल पेट्रोलियम से निकलती हैं तो पेट्रोलियम से हम बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम पेट्रोलियम क्या क्या सबसे पहले पेट्रोल और डीजल तो मिलता ही है जो गाड़ियों में डाला जाता है ठीक है उसके बाद पेट्रोलियम से पेंट भी बनाया जाता है जो आपके घरों में दीवारों पर और दरवाजे खिड़की पर जो होता है वो पेंट भी पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है उसके अलावा प्लास्टिक बनता है पेट्रोलियम से ये देखो प्लास्टिक है ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं खिलौने भी बनते हैं पेंसिल बॉक्स लंच बॉक्स बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो ये पेट्रो प्लास्टिक होता है इसके बाद वैक्स है ये वैक्स भी पेट्रोलियम से निकलता है मोमबत्ती जिससे जलाते हैं और सी गैस इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा जब लास्ट में ये सारी चीज़ें निकलती हैं उसके बाद लास्ट में ग्रीस बचता है काला काला सा कीचड़ जैसा जिसे सड़क बनाई जाती है जिसे कोल तार कहते हैं तो वो भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हमें फ्यूल को बचाना है फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा ज़मीन के नीचे फ्यूल एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो फ्यूल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि गाड़ी कार में अकेले हम कहीं जाएं, इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने साथ तीन चार लोगों को ले जाना चाहिए मिल के जाना चाहिए तब तो कार यूज़फुल है और अकेले कार से कहीं जाना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें पेट्रोल बहुत खर्च होगा इसके बजाय आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए जैसे ये बस है ये बस यूज़ करना चाहिए या फिर ये ट्रेन है तो ट्रेन आपको यूज़ करना चाहिए चाहे वो मे मेट्रो ट्रेन हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से आपको आप पेट्रोल या डीज़ल को बचा सकते हैं रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल डीज़ल और पेट्रोल के जो रेट होते हैं वो किस तरह से होते हैं 2002 थाउजेंड यहाँ देखो एक चार्ट दिया हुआ है 2002, 2007 एंड 2014 ये तीन सालों को कंपेयर किया है पेट्रोल के रेट 2002 में ट्वेंटी नाइन रुपीज़ के करीब थे फिर फोर्टी थ्री हो गए फिर सिक्सटी सेवन हो गए धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते रहे इसी तरह से डीजल एटीन रुपीज़ था टू थाउजेंड टू में टू थाउजेंड सेवन में पाँच साल के बाद थर्टी हो गया और फोटीन में ये फिफ्टी एट या फिफ्टी नाइन समझो इतना रेट इसका डीज़ल का बढ़ गया नेक्स्ट आते हैं हम सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट फ्यूल को बचाना हमें एक आदत बना लेनी चाहिए कि हमें फ्यूल को बचाना ही है और फ्यूल से क्या क्या होता है वेयर एम आई यूज़ फ्यूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग क्यों करते हैं क्योंकि जो कपड़े सिल्क के होते हैं या वुलन होते हैं जिनको हम धो नहीं सकते पानी से धोएंगे वो ख़राब हो जाएंगे तो उनको पेट्रोल से साफ़ किया जाता है जिसे ड्राई क्लीनिंग कहते हैं पानी के बिना उसे धोना साफ़ करना फिर होता है सेकंड लाइटिंग के लिए यहाँ पे एक लालटेन है इसके अंदर Uh, मिट्टी का तेल कैरोसिन भरा जाता है और इससे uh, रोशनी होती है इसी तरह से स्टोव होता है जो मिट्टी के तेल से चलता है फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है एज अ पेट्रोल और डीजल फॉर एरोप्लेन फ्यूल एरोप्लेन के फ्यूल जब एरोप्लेन को चलाते हैं उसमें बहुत सारा कई हज़ार लीटर पेट्रोल और वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल डाला जाता है तो उसमें इस्तेमाल होता है फिर है uh, केरोसिन एंड एलपीजी पी यहाँ पर एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है जो आप सबके घरों में भी होता होगा खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पर केरोसिन का टीन रखा हुआ है ये भी खाना बनाने के लिए स्टोव में डाला जाता है कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है टू रन मशीन मशीन को चलाने के लिए ये जनरेटर है जिसमें डीजल डाला जाता है और डीजल जनरेटर से ही चलता है और बिजली बनाता है फिर लास्ट में है फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल होता है तो ये सारे यूजेज हैं जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वुड फॉर चूल्हा इन सम विलेजेस पीपल कलेक्ट वुड फॉर चूल्हा गाँव में लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और चूल्हा जलाने के लिए क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मिट्टी का तेल या एलपीजी गैस खरीद सकें तो वो जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ बीन कर ले आते हैं और उसमें चूल्हा बनाकर उसमें खाना एकर, बनाते हैं जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है इसके अलावा वो उपले का भी इस्तेमाल करते हैं उपले क्या है ये काउडंग से बनाए हुए उपले जिनको हिंदी में कंडे भी बोलते हैं कहीं कहीं तो इनका इस्तेमाल होता है उपले का और ये चूल्हा है जो लकड़ी से जलता है यहाँ पे देखो जलता हुआ चूल्हा भी आपको दिखाई दे रहा है तो ये गांव के लोग इस तरह से खाना बनाते हैं और ठंड से बचते हैं जब ठंड होती तो हम जो शहर में रहने वाले हैं वो हीटर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हीटर जला लेते हैं ब्लोअर जला लेते हैं आजकल के दिनों में जैसे ठंड है और गांव के लोग क्या करते हैं लकड़ियाँ जला लेते हैं और उसी से अपने हाथ पैर पैर को गर्म करते हैं घर को गर्म करते हैं लेकिन इससे एक नुकसान है कि जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं या कंडे ज, ये उपले जलाए जाते हैं इनमें एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है ये इसका माइनस पॉइंट होता है चेंज इन फ्यूल यूज़ ओवर ट्वेंटी ईयर्स बीस सालों में फ्यूल के चेंज में फ्यूल के यूज़ में क्या क्या चेंज हुआ ये आपको यहाँ पे एक बार ग्राफ्स में दिखाई दे रहा है अब इसको ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा ईयर 1976 में उपले एंड वुड एक ग्रीन कलर का बार आपको दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का एक लंबा सा बार आपको दिखाई दे रहा है इसमें वुड एंड उपले लिखा है 84 परसेंट यूज़ होता था एल पी जी एंड कैरोसिन टेन परसेंट यूज़ होता था कोल का इस्तेमाल फाइव परसेंट होता था और इलेक्ट्रिसिटी ओनली वन परसेंट ये होता था ईयर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में उसके बीस साल के बाद यानी ईयर नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में क्या हाल हुआ कितने चेंजेस हुए उपले एंड वुड सेवेंटी फाइव परसेंट यानी कि कम हो गया एल पी जी एंड कैरोसिन एटीन परसेंट हो गया टेन के मुकाबले तो ये बढ़ गया कोल का यूज़ कम हो गया टू परसेंट रह गया और इलेक्ट्रिसिटी फाइव परसेंट यूज़ होने लगा तो इस तरह से लोगों ने जो इजी जो चीज़ें इजी होती थी जिनमें पोल्यूशन कम होता था जिनको जलाना आसान होता था ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दिया और जो धुआँ फैलाने वाली चीज़ें होती थी उनको कम कर दिया लास्ट में एक कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं आपके लिए विच फ्यूल इज़ यूज़ एट योर होम एट योर हाउस आपके घर में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है क्या लकड़ी जलाई जाती है कंडे जलाए जाते हैं बिजली का इस्तेमाल होता है गैस का इस्तेमाल होता है केरोसिन का इस्तेमाल होता है या फिर कुछ और तो यहाँ पे आपको अपने घर का फ्यूल बताना है कि कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है विच फ्यूल प्रोड्यूस मैक्सिमम एयर पोल्यूशन यहाँ पर तीन चीज़ें लिखी हैं केरोसिन कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन करता है उसका नाम आपको लिखना है ठीक है बस ये लेसन यही फिनिश होता है बेटा आप लोगों को बच्चों लेसन समझ में आ गया होगा अगर आपको अच्छा लगा लाइक का बटन दबा दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो फिर हम अगले टॉपिक के साथ आपके साथ जल्दी ही मिलते हैं ठीक है ओके बाय बाय